वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम अपना फेसबुक अकाउंट जो है बिल्कुल इजीली तरीके से परमानेंटली हमेशा के लिए कैसे यहां पर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट जो है इसी प्रकार हमेशा यहां पर मिलती रहे, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा यहां पर लाता रहता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं आपको ले चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर आपको सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट जो है बिल्कुल परमानेंटली इजीली तरीके से हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना बात करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको आ जाना होगा मोबाइल फोन पर, अपने मोबाइल फोन पर आ जाइए। उसके बाद में आपको सीधे सीधे चलना है यहाँ पर अपनी फेसबुक पर। ठीक है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है, ठीक है, परमानेंटली हमेशा के लिए। तो आपको आ जाना अपने फेसबुक अकाउंट पर। अब यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के बाद में यहाँ से हमको एक प्रोफाइल का आइकन दिखता है यहाँ पर जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जस्ट क्या हो रहा है, कुछ भी खुल रहा है, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद में आप जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद में आपको सेटिंग एज प्राइवेसी दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर जस्ट देखिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ट्रांसलेक्शन फॉर पोस्ट, तो उसके सबसे जस्ट नीचे आपको एक्सेस एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप फाइंड कर लीजिएगा एक्सेस एंड कंट्रोल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके जस्ट आगे एरो वाले में, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आता है, दो ऑप्शन खुलने को मिलता है, ठीक है, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको, आपको अगर डीएक्टिवेट अकाउंट करना है तो यहाँ पर डीएक्टिवेट पर रहने देना, ठीक है, और डिलीट अकाउंट पर आप, हमको अभी यहाँ पर डिलीट करना है परमानेंटली, तो यहाँ पर हम डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपके पेजेस हैं, आपके फेसबुक है, जो भी अकाउंट्स आपने बना रखे हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर से यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलते हैं बहुत सारे, तो आप इसमें से जो भी है एक ऑप्शन फाइन कर सकते हैं या नहीं भी करें चलेगा, आपको कंटिन्यू एंड अकाउंट डिलीशन पर क्लिक कर देना है फिर से। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खोलने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर डीएक्टिवेट, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको खुलने को मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट, जस्ट आप इसके आगे आइए, यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अब उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो है वो इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर करते हैं आपको वहाँ पर फिर एक बार और कन्फर्म करने के लिए आएगा कि कंफर्म आके आप बिल्कुल परमानेंटली हमेशा के लिए अपना अकाउंट जो है डिलीट करना चाहते हैं, फिर आप उसे भी कंफर्म कर देते हैं तो उसके बाद भी आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। उसके बाद आपका 30 दिन तक, मतलब आप पासवर्ड वगैरह सब डाल देते हैं तो उसके बाद भी आपका 30 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपका एक महीने के अंदर विचार बदल जाए, फिर से आप उसको लॉगिन कर लें, आप अगर उस पर लॉग आउट हो जाएगा, जैसे ही आप मतलब आगे बढ़ेंगे तो आपका अकाउंट जो है लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद में आपको बोलता है कि 30 दिन तक आपको इसमें साइन इन नहीं करना है, मतलब जैसे ही आप इसमें इंटर करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो फिर से आ जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट जो डिलीट नहीं होगा, तो आपको उसमें साइन इन नहीं करना है, फिर से आपको उसको लॉग इन नहीं करना उस अकाउंट को, आपको उसको 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन के बाद में अगर आपने उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की, उसमें लॉग इन नहीं किया उस अकाउंट पर, तो आप 100% उसमें आपका अकाउंट जो है वो 100% आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना अकाउंट जो है वो डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है डिलीट हो सकता है। ठीक है, अचानक तो नहीं होगा, वैसे 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि इस तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट, मतलब डिलीट, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आए फ्रेंड, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।